आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं में संविधान एक जीवंत दस्तावेज है इसके भाग दो के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि संविधान जो हमारा भारत का है उसमें लचीलेपन और कठोरता दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब संविधान में संशोधन होते हैं तो उस पे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्या मिलती है, स्वीकृति होना आवश्यक है। तो ये राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, स्वीकृति हो जाती है। पूर्व में ऐसा होता था कि संसद और राज्य विधानसभा जो भी विधेयक क्या करती थी, पारित करती थी, तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता था और राष्ट्रपति उस संशोधन विधेयक को अनुचित समझता था तो वो राष्ट्रपति क्या करते थे, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते थे, ये अधिकार उनको प्राप्त था। लेकिन हमारा जो 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, 24वां, तो इसमें जो अनुच्छेद 368(2) में संशोधित कर राष्ट्रपति के इस अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अब कोई भी जो संशोधन होता है और संसद द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकता। हाँ, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है लेकिन स्वीकृति से इनकार नहीं करेगा। इस प्रकार जो हमारा 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, तो संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति औपचारिकता मात्र ही रह गई, मतलब संसद के द्वारा ही अंतिम निर्णय माना जाता था। तो अब हम देखेंगे, एक ग्राफ पेपर आएगा इसके बाद, हम देखेंगे कि भारत में संविधान संशोधन हुए 2018 तक, 26 जनवरी 2018 तक 101 बार संविधान संशोधित हो जा चुका और अभी वर्तमान में 103 बार संशोधन किया जा सका। तो मतलब संविधान संशोधन करना एक जटिल प्रक्रिया है। तो हम किस प्रकार, हमने देखा कि 1951 से 1960 के बीच में 8 संशोधन हुए, 1961 से 1970 के बीच में 14 हुए और इस प्रकार सबसे ज्यादा संशोधन 1971 से 1990 के बीच में देखिए आप, हर 10 साल में ये 22 संशोधन किए जा चुके। 91 से कुछ ये अधिक संशोधन होना, मतलब वहाँ पर गठबंधन सरकार जो निर्मित हुई, अलग अलग पार्टी के लोग आए तो सबको ध्यान में रखते हुए इतने संशोधन किए करने पड़े। 2001-15 में 10 संशोधन हुए, 2006 से 18 के बीच में ये 9 संशोधन हुए। हम देखेंगे इन संशोधन को हम एक ग्राफ के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, एक दशक, दशक मतलब 10 साल के द्वारा, 1951 से 60 के बीच में 10 साल में ये करीब 8 संशोधन हुए, ये 5 के बाद। यहाँ पर संशोधन की क्या दी हुई है, संख्या, ये वाई अक्ष पर, और यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ष। तो इस प्रकार 1961 और 70, ये 10 वर्ष में आप देखिए 15 या 14 संशोधन हुए। 1971 और 80 के बीच में यहाँ पर 22 संशोधन हुए, ये 20, 21, ये 22। इस प्रकार 81 से 90 के बीच में भी 22 संशोधन हुए, 91 से 2000 के बीच में 16 संशोधन हुए और 2001 से 2005 आ गया, 2001 से, ये 5 साल का दे दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ 10 संशोधन हुए और यहाँ पर देखते हैं ये 9 संशोधन हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर वर्ष, ये 5 साल का दिया है पूरा, तो इस प्रकार ये संशोधन की संख्या दी हुई है। इस प्रकार प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि का वर्णन भी किया गया है इस ग्राफ में, कि प्रत्येक 10 संशोधन की अवधि को हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।
1971 से 90 के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में संशोधन हुए। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ये अपनी आने वाली जो सरकार होती है उसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि 2001 से 3 के बीच एक बार फिर से वही संशोधन हुए। तो प्रत्येक 10 संशोधन किए गए, ये दोनों अवधियां पर्याप्त भिन्न थी, मतलब कहीं कहीं ज्यादा गैप में भी संशोधन किए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2000 और 3 के बीच में गठबंधन सरकार, ये पूरा गठबंधन जो सरकार थी, ये तो बहुमत की स्थिति प्राप्त थी। तो एक ही सरकार के होने से संशोधन भी कम हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता थी 2000 और 2001 और 3 के बीच में, तो भी इसमें 10 संशोधन किए गए। 2009 तक यूपीए गठबंधन सरकार थी, फिर भी 6 संशोधन हुए। तो संशोधन यह दर्शाते हैं कि ये मतलब सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर निर्भर नहीं करते हैं, ये अपने अपनी समस्याओं पर निर्भर करते हैं। जब भी संशोधन होता है तो लोग उसको कुछ अच्छा का मानते हैं, कुछ उसमें आलोचना भी होती है। अप्रैल 2008 तक लगभग 101 संवैधानिक संशोधन हो गए, और ये राजनीतिक सोच के कारण नहीं हुए, बल्कि ये उस समय की मांग के अनुसार, समय की मांग के अनुसार ये संशोधन किए गए। जब भी संशोधन होता है तो वहां पर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति क्या होती है, निर्मित होती है। तो ये संसद के हम आपको कुछ पुराने उदाहरण बताएंगे, जैसे कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद, उसके कारण हमें संविधान के कुछ भाग को क्या करना पड़ा, उच्चतम न्यायालय ने उसको चुनौती दे दी, उस भाग को अंश को में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। तो जो मौलिक अधिकार थे उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भी संशोधन किए गए। उनको संशोधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस संबंध में 1951, 1955 और 1963 में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की इस संविधान संशोधन संबंधी शक्ति को स्वीकार भी किया। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, एक विवाद हुआ था, तो जो न्यायालय थे, न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय के विपरीत दिए गए निर्णय में कहा, हम लोग घोषणा करते हैं कि इस निर्णय के पश्चात संसद को संविधान के भाग 3 के किसी उपबंध को इस प्रकार संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिससे कि मौलिक अधिकार आपके छिन जाए या सीमित हो जाए। ये इस विवाद में हुआ था 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद। लेकिन उसके बाद 1971 में ये 24वां संविधान संशोधन करके उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया। किसने? संसद ने। और संसद ने संविधान संशोधन को, एक और विवाद हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, तो उच्चतम न्यायालय ने को चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने इसे वैध घोषित करते हुए 23 अप्रैल 1973 को दिए गए अपने निर्णय में कहा कि संसद मौलिक अधिकार को, ये देखिए, संसद मौलिक अधिकार को संशोधित या सीमित कर सकती है, परंतु अनुच्छेद 368 में संविधान संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने या उसे नष्ट करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया। ये उदाहरण दिए गए हैं समय समय पर जो घटनाएं होती हैं। 1980 में मिनर्वा मिल्स तथा अन्न बनाम भारत सरकार विवाद में ही उच्चतम न्यायालय ने अपने 1973 में दिए गए निर्णय का पुनः प्रतिपादन किया। तो
1973 और 1980 में ये निर्णय दिए गए, और दोनों निर्णय में स्पष्ट नहीं कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में निम्नलिखित व्यवस्थाएं अवश्य ही आती हैं। पहला है संविधान का लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रताएं लोकसभा और राज्यसभा के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि कुछ राजनीतिज्ञों और विधिवेताओं का मत है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था तथा संसदात्मक अथवा मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था को भी संविधान के मूल ढांचे का कहना मानना चाहिए कि अंग जो भी लिखा है, परंतु कुछ अन्य विचारक इस मत के विपरीत है। मतलब हमें मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना है, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ। तो संसद की जो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो संविधान को, तो ये मौलिक जो अधिकार है उसके उपबंधों को मैं संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको परिवर्तित या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। अब संविधान की समीक्षा के लिए, उसकी मतलब कहना चाहिए अवलोकन के लिए, एक वेंकट चलैया आयोग, एक समिति का गठन किया गया, जो कि ये अपने मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे वेंकट चलैया। तो सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग का निर्माण किया, जिसका काम था कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। और कुछ विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है। लेकिन आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी या मूल भावनाओं को चोट पहुंचे। तो हम देखते हैं कि संविधान में मूल ढांचा या बुनियादी संरचना को महत्व दिया गया। अब इस पाठ में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि संविधान को संशोधन करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसको आपको लिखना है। और भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, प्रश्न दूसरा, इसको आपको समझाना है। धन्यवाद।